हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही थंबनेल के माध्यम से बता दिया है कि इग्नू के जो रिजल्ट हैं वो रिलीज हो गए हैं। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था अभी मार्च और अप्रैल के महीने में, जिसको हम दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 कह रहे थे, एग्जाम पोस्टपोन होकर के मार्च और अप्रैल के महीने में वो एग्जाम्स हुए थे, तो उनके रिजल्ट जो है फाइनली इग्नू के द्वारा अनाउंस कर दिए गए हैं। जिन लोगों को अपना रिजल्ट चेक करना है, वो कैसे अपना रिजल्ट चेक करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। उसको स्टार्ट करने के पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन ऐसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको टाइप करना है इग्नू रिजल्ट, ठीक है, इग्नू टर्म एंड रिजल्ट। आप ऐसे ही जैसे ही टाइप करेंगे ना, टाइप करने के बाद आपको इग्नू रिजल्ट टर्म एंड एकदम स्टार्टिंग में जो आपको लिंक शो करेगा उसको उसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जिसमें देखो सबसे पहला है दिसंबर 2021 एग्जाम रिजल्ट न्यू, ठीक है ना। तो दिसंबर 2021 एग्जाम रिजल्ट के ऊपर ही आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपने यही वाला एग्जाम जो है मार्च अप्रैल में दिया है। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पेज खुलेगा जहाँ पे आपको दिख रहा है एंट्री योर एनरोलमेंट नंबर, एंटर योर एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जिसके जरिए आप चेक कर पाएंगे कि आपके मार्क्स जो है वो कितने आए हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है, इस पेज पे आना है। और उस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करना है, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है। मैं सपोज कोई एक एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ अपनी मर्जी से, ऐसे मैंने टाइप कर दिया। और टाइप कर देने के बाद आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे मैंने एक इमेजिनरी नंबर डाला था, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट जो है हमें नॉट फाउंड शो कर रहा है, रिजल्ट येट टू बी डिक्लेयर शो कर रहा है। बट अभी जो है ये जो नंबर है वो सही नहीं था, एक इमेजिनरी नंबर था। तो जब आप अपना नंबर डालेंगे तो आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट जो है आपको दिख जाएगा, कितने मार्क्स आपके आए हैं। रिजल्ट को समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं रिजल्ट को कैसे आपको रीड करना है, कैसे समझना है कि आपके रिजल्ट में कितने मार्क्स आए हैं, मैं वो आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, रिजल्ट आ चुके हैं, जाकर के अपना रिजल्ट चेक करें। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो भी मुझे बताएं, अगर कम आए हैं तो भी मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मार्क्स नेक्स्ट टाइम में बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हुए, इस बारे में हम बात करेंगे। लेक्चर खत्म करते हैं, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।